हेलो स्टूडेंट्स, तो हमने अब तक लिमिट का कंसेप्ट सारा क्लियर कर लिया है, उसके एग्जांपल्स भी कर लिए हैं हमने। तो अब हम बात करते हैं कॉन्टिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स। तो इसको पढ़ने के लिए आपको लिमिट का कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होना चाहिए। तो आप लोगों ने आई होप कि वो वीडियोस अच्छे से देख ली है। तो अब देखिए, कॉन्टिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स क्या होता है। अ फंक्शन एफ एक्स वाई इज सेट टू बी कॉन्टिन्यूस एट अ पॉइंट ए बी इफ लिमिट एक्स वाई एट ए बी एफ एक्स वाई इज इक्वल टू ए बी। मतलब कि देखो क्या कह रहे हैं कि फंक्शन की लिमिट किसी ए बी पॉइंट पे एग्जिस्ट तो करे और हो किसके बराबर, एफ ऑफ ए बी के ही बराबर हो, तब हम क्या कहते हैं हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो गया है। तो मतलब कि जो आपकी फंक्शन की लिमिट होती है, जिसको हम एल बोलते आए थे अब तक, वो किसके इक्वल होना चाहिए, एफ एट ए बी के ही इक्वल होना चाहिए। या फिर अब आपको लिमिट के डेफिनेशन से जाएंगे तो क्या बनेगा, अ फंक्शन एफ एक्स वाई इज सेट टू बी कॉन्टिन्यूस एट अ पॉइंट ए कोमा बी इफ गिवन एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो वी कैन फाइंड अ रियल नंबर डेल्टा ग्रेटर देन जीरो सच दैट मोड ऑफ एफ एक्स वाई माइनस, अब देखो एल की जगह क्या है, बस एफ ऑफ ए बी इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एक्स वाई सच दैट मोड ऑफ एक्स वाई माइनस ए बी इज लेस देन डेल्टा। तो एक बार आप यहां से देख लीजिए। तो बेसिकली देखो हमें प्रूफ क्या करना है, मतलब कॉन्टिन्यूटी कब कहते हैं हम फंक्शन की है किसी पॉइंट ए बी पे, कि जब जो ये ए बी पॉइंट है तो इसकी जो कॉरस्पॉन्डिंगली मुझे जो इमेज मिल रही है फंक्शन, मान लीजिए एफ ऑफ ए बी है, तो मैं क्या चाहती हूँ कि इस एफ ऑफ ए बी के अराउंड जब भी मैं किसी एप्सिलॉन लेकर के लेंथ एक नेबरहुड बनाऊं, तो मुझे उस एप्सिलॉन के लिए अब क्या मिलना चाहिए, एक डेल्टा मिलना चाहिए सच दैट इस डेल्टा नेबरहुड में ए बी के जो भी मैं पॉइंट एक्स वाई उठा रही हूँ तो उसके जो कॉरस्पॉन्डिंगली पॉइंट एफ एक्स वाई मिलेगा, अब मुझे वो कहीं और नहीं बल्कि कहाँ मिलना चाहिए, इस एफ ऑफ ए बी के अराउंड जो नेबरहुड मिल रही है उसके। तो यही बात है। तो क्या बोलता है, अ फंक्शन इज सेड टू बी कॉन्टिन्यूस एट अ पॉइंट ए कोमा बी इफ गिवन एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, किसी भी एप्सिलॉन के लिए मुझे एक डेल्टा मिलना चाहिए सच दैट वेन एवर जब भी कोई मैं पॉइंट एक्स वाई ए बी की डेल्टा नेबरहुड में उठाऊं तो जो कॉरेस्पॉन्डिंगली एक्स वाई का है इमेज एफ एक्स वाई वो कहाँ आना चाहिए, एफ ऑफ ए बी की एप्सिलॉन नेबरहुड में। और नेबरहुड का आपको मतलब पता था ना कि इन दोनों का डिस्टेंस क्या होना चाहिए, लेस देन एप्सिलॉन। तो आई होप आपको कंटिन्यूटी की डेफिनेशन क्लियर है। उसके बाद आपको ये जो एग्जाम्पल्स हैं ये बिल्कुल सेम लिमिट जैसे ही हैं, तो आप लोगों को ये सारे एग्जाम्पल ट्राई करके लाने हैं, एग्जाम्पल नंबर 6 से लेकर के एग्जाम्पल नंबर 9 तक। और जो भी आपको डाउट्स हैं आप लोग मुझसे पूछेंगे, और अब हम इसके बाद इसकी एक्सरसाइज करेंगे। तो एक्सरसाइज से क्वेश्चन मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी सारे, और जिसमें भी आपको डाउट आएगा आपको कर करके देखने और मुझसे पूछने हैं। थैंक यू।